हेलो एवरीवन, सिविल सेवा में आप सबका स्वागत है। और आई होप कि आप अच्छा कर रहे होंगे। वैकेंसी आपको पता ही होगी, अपडेट हो चुकी हैं चीज़ें। तकरीबन 15,300+ की वैकेंसी हो चुकी हैं टोटल। पीएसए की वैकेंसी आ गई है। आप जाके मेरा 2 महीने पहले 23 मार्च को मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया था, जिसको आप लोग जाके देख सकते हैं। मैंने पहले ही बोला था कि 4 से 5 हज़ार वैकेंसी तो वैसे ही वैकेंट है, वो आनी ही आनी है पीएसए में। तो जो कि वो चीज़ें आ चुकी हैं, तो आई होप कि आपके लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है कि इस बार बहुत ही अच्छी वैकेंसी आनी है। और प्री का कटअप भी इस वजह से काफ़ी कम जाने वाला है, मैं एक बता दे रहा हूँ इसका रीज़न भी। आई होप कि मैं इन फ्यूचर, अगर मुझे समय मिलेगा, तो मैं उस पर भी स्ट्रेटेजी भी वीडियो बनाऊंगा। और आने वाले समय में मैं 75 डेज चैलेंज भी लाऊंगा, इसके अलावा कि आपको क्या क्या करना चाहिए। तो जो लोग मुझसे नहीं जुड़े हैं, वो लोग टेलीग्राम के थ्रू जुड़ सकते हैं मुझसे यहाँ पे। और दूसरा, मैं क्विज का एक चैनल चलाता हूँ, जो कि बिल्कुल फ्री है आप लोग के लिए। जो भी टेलीग्राम चैनल पे मेरे आए, वहाँ पे क्विज का चैनल भी आपको यहाँ पे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उससे जुड़ सकते हैं। और ये स्टेट वाइज सीरीज है। देखिए, इसमें लगभग लगभग हम लोगों ने दो स्टेट कवर कर लिए, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर। आज बारी है हरियाणा और पंजाब की डांस की। बेसिकली इसमें ज्यादा क्वेश्चन एमसीक्यू भी हम लोग एक दो डिस्कस करते हैं, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुके हैं। जो लोग पुरानी वीडियो नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट में जाके, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, वहां से जाके वो लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। उससे पहले फिर शुरू करते हैं वीडियो को। तो चलिए देखिए, बात करेंगे आज डांस की। तो डांस फॉर्म में कुछ इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म है हरियाणा और राजस्थान में। बेसिकली इनका क्या है ना, हरियाणा राजस्थान का कल्चर लगभग लगभग सेम है काफी चीजों में, क्योंकि ये पहले दोनों एक ही स्टेट थे। दोनों एक ही स्टेट थे, हरियाणा एंड पंजाब दोनों एक ही स्टेट थे। बाद में हरियाणा और पंजाब अलग हुए, ठीक है, और अलग हुए और आधा पंजाब फिर उसके बाद आज़ादी के टाइम पे पाकिस्तान में चला गया और आधा इंडिया में रह गया। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब एक ही कल्चर में लगभग लगभग बड़े हुए हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा इनका सिमिलरिटी आता है डांस और चीज़ों में। और हरियाणा से थोड़ा सा जुड़ जाता है राजस्थान का भी, तो राजस्थान की भी कुछ चीज़ें हरियाणा में जुड़ी हुई हैं। तो ये चीज़ें आपको मैं क्लियर बता दे रहा हूँ कि कुछ चीज़ें आपको सिमिलरिटी मिल सकती हैं, इसलिए थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस को किया करिए। चलिए बात कर लेते हैं डांस फॉर्म की। हरियाणा में कुछ डांस फॉर्म होते हैं, जैसे झूमर। झूमर बेसिकली क्या होता है ना, वुमेन के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछ देता है ना कि कौन सा ऐसा डांस है इसमें से वुमेन्स के लिए, बेसिकली बस वुमेन्स परफॉर्म करती हैं, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो झूमर जो डांस होता है ना, वो बेसिकली वुमेन्स करती हैं, और ये वेस्टर्न ऑफ हरियाणा में, वेस्ट साइड जो होता है ना हरियाणा का, उसके साइड में होता है। जैसे हरियाणा का मैप है, उसके वेस्टर्न साइड में, मतलब इस साइड में अगर देखेंगे, तो उस साइड में ये डांस ज्यादा परफॉर्म किया जाता है। बेसिकली क्लैपिंग और जिंगलिंग, मतलब क्लैपिंग ओपिंग करके, ताली उली बजा के और रिदम में चीजों को करते हैं इस डांस में। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन बनता है कि हरियाणा झूमर डांस या घूमर डांस भी कई जगह बोलते हैं, ये कहाँ पे किस जगह का है, किस स्टेट का है, तो आप दिमाग में रखिएगा हरियाणा। अब आता है फाग। फाग क्या है ना, एक वाइब्रेंट डांस है जो कि बेसिकली होली पे परफॉर्म होता है। बेसिकली वैसे परफॉर्म तो कभी भी करते हैं, लेकिन फेस्टिवल पे ज्यादा अगर प्रिफर किया जाए तो होली पे करते हैं। और ये जो कि कलरफुल कॉस्ट्यूम के, अब देखिए होली से रिलेशन आप लगा सकते हैं कि होली कलर का त्यौहार है। ठीक है, जब कलर का फेस्टिवल है तो ऑब्वियस है कि कलरफुल थोड़ा सा दिखना चाहिए, तो उस वजह से यहाँ पे कलरफुल कॉस्ट्यूम पहनते हैं और होली पे परफॉर्म किया जाता है। और इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये क्वेश्चन यही बनेगा कि फाग किस स्टेट का डांस है। अब दो तीन इंपॉर्टेंट डांस है, धाप, धमाल, लूर। अब देखिए धमाल क्या है ना, धमाल एक रिदमिक डांस है, धमाल एक रिदमिक डांस है ये भी, और ये ऑस्पिशियस ओकेशंस पे, ऑस्पिशियस ओकेशंस पे ही परफॉर्म होता है बेसिकली। ठीक है, और धाप के साथ क्या है, धाप एक एग्रीकल्चर वाला डांस है। एग्रीकल्चर मतलब कि जैसे हार्वेस्टिंग हुआ। अब हार्वेस्टिंग हुआ तो देखिए, मैंने हिमाचल में भी बताया था और कश्मीर में भी बताया था, तो उसी तरह हार्वेस्टिंग जो हरियाणा का धाम, हरियाणा का जो डांस है हार्वेस्टिंग के टाइम का, वो धाम है। ठीक है, और लूर भी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डांस है। तो ये तीन डांस आपको इंपॉर्टेंट, ये पांच डांस हरियाणा के इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग खोर पे। खोर क्या है ना, एक टाइप का जो, मतलब नहीं होता कि ग्रेसफुल, मतलब आपके चेहरे का वो थोड़ा सा रिदमिक चीजें, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं इस डांस में। और बहुत ही स्पीड में, मतलब कि थोड़ा सा डांस का जो फॉर्म होता है ना, थोड़ा सा अलग होता है, थोड़ा सा तेज डांस होती है, जिंगलिंग ज्यादा होती है, एंकल की ट्विस्टिंग होती है, ऐसे डांस इसमें होते हैं, मतलब इस तरह के परफॉर्मेंस होते हैं। तो खोर डांस बेसिकली कहाँ का है, हरियाणा का है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, तो इसलिए मैंने इसको रखना जरूरी समझा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं गुगा। गुगा भी डांस फॉर्म जो है वो हरियाणा का है। इसकी एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना कि ये बस मेन द्वारा किया जाता है, मतलब आदमियों द्वारा। ठीक है, इसको पुरुष करते हैं, ये दिमाग में रखिएगा। दूसरा चीज, ये जो होता है ना, भादो महीना होता है। भादो, भादो आप जानते होंगे, भादो महीना होता है जो कि अगर अंग्रेजी महीने से देखा जाए तो अगस्त से सितंबर के बीच में पड़ता है।
ठीक है, हिंदी के हिसाब से भादो बोलते हैं, और उस समय पे ये डांस किया जाता है। तो कई बहुत बार इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, हरियाणा का डांस है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है पता है कि किस स्टेट का है, तो ये चीजें दिमाग में होनी चाहिए कि किस स्टेट का है। मेरा बेसिक फोकस है इसमें, आपको ये पता होना चाहिए कि किस स्टेट का ये डांस है। नेक्स्ट आते हैं पंजाब का। पंजाब में देखिए पांच इंपॉर्टेंट डांस है जो मैंने निकाले हैं, जिसमें कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट में भांगड़ा है। भांगड़ा बहुत ही हाई एनर्जेटिक का डांस है, बहुत लोग आप लोगों ने डांस में देखा होगा। दिलजीत दोसांझ की भी डांस है, दिलजीत दोसांझ जो है बहुत ही अच्छे सिंगर है, उनका जो डांस है उसमें भांगड़ा वो बहुत ज्यादा करते रहते हैं अपने डांस फॉर्म में। ठीक है, तो भांगड़ा वही डांस है, इसमें ज्यादा आपको बताने की जरूरत नहीं है। अगर भांगड़ा की बात आए तो पंजाब याद रहना चाहिए, पंजाब मतलब भांगड़ा। ठीक है, गिद्दा, गिद्दा भी बहुत ही इंपॉर्टेंट डांस है, इसको वुमेन द्वारा परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, वुमेन द्वारा परफॉर्म किया जाता है और बहुत ही एनर्जेटिक डांस है। ये काफी एंशियंट टाइम से मतलब इवॉल्व हो गया है, एक टाइप का वुमेन भांगड़ा का ही डांस है, ये भांगड़ा का ही एक अलग वर्जन है, मतलब ये एंशियंट टाइम से ही मतलब इवॉल्व होते हुए आ रहा है। ठीक है, और इसको पाकिस्तान के पंजाब साइड भी बहुत ज्यादा किया जाता है, ये दिमाग में रखिएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ये नहीं आएगा, क्वेश्चन यही आएगा कि किस स्टेट से है, कौन परफॉर्म करता है। बेसिकली बहुत ज्यादा अगर पूछ दिया तो वुमेन परफॉर्म करती है। डाप, दमन और भांड। भांड डांस भी क्या है ना, बहुत पुराना डांस है। इसको देखिए एक चीज यहाँ पे लोग कंफ्यूज होते हैं, एक होता है भांड पथेर, भांड पथेर ये कश्मीर का डांस है। ठीक है, ये कश्मीर का डांस है, यहाँ पे लोग कंफ्यूज होते हैं, ये कश्मीर का डांस है। तो बेसिकली ये चीजों से कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। ठीक है, और ये जो डांस है ये पंजाब का है, ये बेसिकली बहुत ही पुराने समय से डांस है, और बहुत ही इसको नक्कल डांस भी बोलते हैं, नक्कल डांस, माफ कीजिएगा इसको बता देता हूँ, भांड को नक्कल डांस भी बोलते हैं। नक्कल, नक्कल मतलब कि क्या करते हैं, इसमें मिमिक्री उमिक्री करते हैं। मिमिक्री करते हैं तो क्या होता है ना कि साउंड निकालते हैं, एक जैसी आवाज निकाल रहे हैं, तो फिर उसके बाद एक्टिंग भी उसी तरह की करते हैं सेम, तो इसलिए इसको नक्कल डांस भी बोलते हैं। और नक्कल डांस थोड़ा सा यूपी में भी साइड में फेमस है, यूपी के वेस्टर्न यूपी में भी फेमस है। ठीक है, वेस्टर्न यूपी में भी, ठीक है, वेस्टर्न यूपी में भी फेमस है। तो ये चीजें आपको दिमाग में होनी चाहिए। फिर डाप है और दमन है, डाप दमन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट डांस है, ये आपको याद होनी चाहिए। पांच डांस कौन कौन से हुए टोटल, अब मैंने हरियाणा में कौन कौन से डांस बताए थे, हरियाणा में मैंने सात डांस बताए थे, झूमर, फाग, धाप, दमाल, लूर और खोर और गुग्गा। ठीक है, और पंजाब में मैंने बताया था भांगड़ा, गिद्दा, डाप, दमन, भांड। भांड में भी एक मैंने बताया था आपको कि भांड पाथेर जो होता है वो कश्मीर का डांस होता है। तो आई होप कि ये आपको जो 12 डांस है ना, ये आपको एक टिप पे होने चाहिए। अब ये देखिए मैं क्यों ऊपर से आ रहा हूँ, क्योंकि जब क्वेश्चन में आपको दिखे ना तो आप ये इलिमिनेट भी कर लेंगे कि कहीं नहीं नहीं यार ये वाला तो ऑप्शन में होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो वहां पर था ही नहीं। तो अब जैसे कुछ क्वेश्चन देखते हैं, भांगड़ा इज लाइवली एनर्जेटिक डांस ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच स्टेट, ये भी देखिए आया हुआ है एग्जाम में क्वेश्चन है, और ये आपको ऑब्वियस है कि इसका आंसर होगा पंजाब, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, विच फॉक डांस ऑफ पंजाब इज परफॉर्म बाई वुमेन ड्यूरिंग द फेस्टिवल ओकेजन एंड इन्वॉल्व इन सिंगिंग क्लैपिंग। अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि कौन सा होता है, गिद्दा होता है इसका आंसर। ठीक है, गिद्दा होता है, ठीक है, गिद्दा होता है, मैंने यहीं पे आपको ये चीजें बताई थी, गिद्दा कि वुमेन द्वारा परफॉर्म किया जाता है, रिदमिक होता है, क्लैपिंग होती है इसमें। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉपुलर डांस ऑफ वुमेन्स डांस हरियाणा नोन एज ग्रेस एंड वाइब्रेंट। देखिए मैंने इसमें बताया था ना घूमर और झूमर बहुत लोग बोल देते हैं, तो ये वही डांस है, और इसका आंसर होगा घूमर या झूमर भी बोल सकते हैं। ठीक है, कुछ लोग झूमर बोलते हैं, कुछ जगह घूमर बोलते हैं, घूमर से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, राजस्थान का भी एक डांस फॉर्म है घूमर, तो इसलिए झूमर भी कई बार आ जाता है। अगर झूमर आए तो श्योर हरियाणा है, घूमर में राजस्थान होगा तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए उसके साथ उस समय आपको राजस्थान के साथ भी जाना पड़ सकता है। ठीक है, वो डांस अलग है, ये डांस भी का टाइप ऑफ सिमिलरिटी है, बट दैट इज डिफरेंट फ्रॉम दिस। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो नेक्स्ट वीडियो मैं आपको अगले ही उत्तराखंड और यूपी के डांस को लेके आऊंगा, और आप वीडियो को लाइक करिए, मैक्सिमम थोड़ा सा शेयर करिए दोस्तों, क्योंकि चीजें थोड़ा सा मेहनत करने पर अगर आपका शेयर आपका सपोर्ट मिलता है तो काफी खुशी होती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।